Hey guys, welcome back to my channel Krazzy for Fitness. आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जिम में नहीं हैं, आपके पास जिम नहीं है, आप जिम में जा सकते हैं, तो घर में कैसे बाइसेप्स और शोल्डर की एक्सरसाइज करें। मेनली बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक खाली सिलेंडर ढूंढना है। जैसे कि मैंने एक सिलेंडर रखा है, खाली नहीं है बट ये भरा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लिटरली किचन में खड़ा हूँ घर के अंदर। तो आप क्या करना है, मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बाइसेप्स फोरआर्म और शोल्डर के लिए, तो पहले बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको क्लोज ग्रिप इसे पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसे हैमर कर्ल करते हैं, आप लिटरली उसी स्टाइल में इसे पकड़िए, सिलेंडर को उठाइए और स्लो जाइए। जितना धीरे धीरे लेकर आएंगे ऊपर, उतना ही धीरे धीरे आपको नीचे लेके जाना, ठीक है, नेगेटिव्स में आपके। देखिए, एक एक्सरसाइज से मेरे बाइसेप्स, फोर आर्म्स और मेरे ट्रैप्स तीनों ट्रेन हो गए, और थोड़ा बहुत चेस्ट भी। तो ये तो हो गया बाइसेप्स का। अब इसी में फोर आर्म्स के लिए आपको बस ऊपर से पकड़ना होगा, इसे पाम नीचे की तरफ इसे पकड़ लीजिए, सेम चीज क्लोज ग्रिप इजी बार को जैसे पकड़ते हैं, सेम वो करना है आपको, उठा के अगेन इसमें बाइसेप्स, फोर आर्म्स और ट्रैप्स सब ट्रेनिंग है। तो ये तो था बाइसेप्स और फोर आर्म्स के लिए, अब ट्रैप्स कैसे ट्रेन करें। तो सिलेंडर को दो साइड में आप ऐसे पकड़ लीजिए। ये बहुत ही टायरिंग एक्सरसाइज होता है घर के लिए भी, तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं बेसिकली, बस आपके पास कुछ वेट होना चाहिए। उठाकर देखिए कैसे मेरे ट्रैप्स ट्रेन हो रहे हैं। अगेन एक एक्सरसाइज तीन बॉडी पार्ट आपके ट्रेन हो रहे हैं, बाइसेप्स, फोर आर्म्स और ट्रैप्स। बस आपको ध्यान ही रखना है कि जब आप वेट को ऊपर उठाएं तो सांस लीजिए, और जब वेट को नीचे लेके जाते हैं तो सांस छोड़िए। जितना रिपीटेशन कर सकते हैं उतना फायदा आपके लिए। तो ये था, कोई जिम नहीं, बाहर है, घर के अंदर है, और आपको वर्कआउट करना है तो सिंपल सा एक्सरसाइज, ठीक है, होम वर्कआउट इन होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे क्रेजी।